तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पतले वाले लंबे वाले कुछ बैंगन लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इन बैंगन को मैं अभी कट नहीं करूँगी जब सब्जी के लिए मसाले जो हम रेडी करेंगे वो पक जाएंगे तभी हम तुरंत कट करके इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट तो अब आपको सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई लेनी है और इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा कच्ची घनी सरसों का तेल तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है जब आपका तेल गर्म हो जाता है तब आपको इसमें ऐड करना है हाफ टी स्पून जीरा जीरे को अच्छे से चटका लें साथ ही ऐड करेंगे पाँच से छः लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने अच्छे से चॉप करके ऐड किया है बारीक बारीक इस लहसुन को आपको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भून लिया है अब आपको इसमें ऐड करना है करी पत्ता तो मैंने यहाँ पर जो ये मीठा नीम होता है वो ऐड किया है साथ ही ऐड कर लेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज प्याज को आपको अच्छे से भून लेना है इस तरह से चलाते हुए प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भूनने के बाद ऐड करनी है आपको इसमें दो से तीन हरी मिर्चें हरी मिर्चों को भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे और कुछ देर भूनने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है टमाटर मैंने यहाँ पर दो टमाटर को इस तरह से क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड किया है प्याज और हरी मिर्च के साथ टमाटर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है टमाटर डालने के तुरंत बाद आपको इसमें ऐड कर लेना है नमक तो मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा इसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं ड्राई मसाले ड्राई मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेना है आपको वन एंड हाफ़ टेबल स्पून तिखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अब आपको सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे बारीक कूटा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर सात से आठ लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट करके ये लहसुन का पेस्ट बनाया है लहसुन हाँ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस सब्जी में अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं या फिर बिल्कुल कम लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें इस तरह से पेस्ट बना करके लहसुन डालना अवॉइड कर सकते हैं तो लहसुन डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे जिससे मसाले जले ना और इन मसालों को आपको ढक करके पका लेना है ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है और प्लेट के ऊपर हम यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे जिससे सब्जी में भाप बनती रहे मसाले जले ना मसाले अच्छे से पक जाएँ थोड़ी देर के बाद प्लेट को हटा करके बीच में हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले जलेना और प्लेट के ऊपर जो पानी है उसमें से थोड़ा सा पानी हम सब्जी में ऐड कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे आपको फिर से ढक कर के पका लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर दो मिनट तक और पकाने के बाद प्लेट को हटा लेते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये जो मसाले हैं वो पूरी तरह से अच्छे से पक गए हैं अब आपको जो प्लेट के ऊपर का पानी है वो सारा पानी सब्जी में ऐड कर लेना है और पानी ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है बैंगन तो मैंने यहाँ पर फ्रेश जो बैंगन अच्छे से वॉश करके रखे हुए थे उन्हें आपको इस तरह से एक एक करके कट करके डायरेक्ट आपको सब्जी में ऐड करना है पहले से कट करके नहीं रखना है आप चाहें तो रख भी सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तुरंत कट करके और बैंगन आप देख सकते हैं कितने कच्चे कच्चे बैंगन हैं बिल्कुल भी मोटे बीज नहीं हैं तो सभी बैंगन को आपको इसी तरह से कट करके सब्ज़ी में डायरेक्ट ऐड कर लेना है तो सभी बैंगन को कट करके मैंने सब्जी में ऐड कर लिया है अब हम इसे ढक करके पकाएंगे इससे पहले आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और जब आप इसे ढकें तो प्लेट के ऊपर भी आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है ताकि सब्ज़ी में भाप बनती रहे पानी से मसालों को तो हमने अच्छे से पका लिया है अब बैंगन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस ये एक से दो मिनट में ही पक कर के रेडी हो जाएंगे थोड़ी देर पकाने के बाद प्लेट को हटा करके हम इसे चेक कर लेते हैं और मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है लो फ्लेम पर ही मैं इसे पका रही हूँ और आप देख पा रहे हैं बैंगन को पकने में हल्की सी ही कमी रही है मैंने इसे दो से तीन मिनट तक ही पकाया है लो फ्लेम पर और अब हमने जो प्लेट के ऊपर पानी डाल रखा था वो भी आपको सब्ज़ी में ऐड कर लेना है और इसे आपको फिर से ढक करके पका लेना है इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो सब्जी जी है वो पूरी तरह से पक नहीं जाती बस दो से तीन मिनट में ही ये सब्जी जो है वो पक कर के तैयार हो जाएगी और थोड़ी देर लो फ्लेम पर और पकाने के बाद प्लेट को हटा करके अब आपको इसे चेक कर लेना है बीच बीच में आपको इसे मिक्स भी करते रहना है और ये जो सब्ज़ी है वो पूरी तरह से पक गई है बैंगन पूरी तरह से अच्छे से पक गए हैं मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ ये जो बैंगन है वो पूरी तरह से पक गए हैं ये देखिए कितनी आसानी से कट हो रहा है अब आपको लास्ट में इसमें ऐड कर लेना है बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और ये जो गर्मा गर्म बैंगन की सब्ज़ी है मसालेदार चटपटी सब्जी वो बन के तैयार हो गई है एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर, कर देखिएगा यकीन मानिए आपको और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनेगी और बनाने में बिल्कुल आसान है बिना किसी झंझट के मिनटों में बनकर के तैयार हो जाती है और एकदम सूखी सूखी सी सब्जी है हमने इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था जिससे सब्ज़ी आसानी से जल्दी पक जाए और बिल्कुल भी ग्रेवी भी नहीं बनी है बस अच्छा सा टेक्सचर आ गया है सब्ज़ी में तो आप इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को खाइए मज़े लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय